हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो तुम लोग सभी? सभी लोग अच्छे ही होंगे। तुम्हारा पूजा भी अच्छा ही गया होगा मैं आशा करती हूँ, और एग्ज़ाम भी शायद अच्छा ही गया होगा सब लोगों का। तो आज इतने लंबी छुट्टी के बाद हम लोग फिर से आज हम रिटर्न आते हैं अपने क्लास में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संयुक्त अक्षर से। हम लोग तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में व्यंजन वर्ण जो है और स्वर वर्ण जो है ये सब हम सीख चुके थे, प्रैक्टिस कर लिए थे, एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका था। आज हम देखेंगे संयुक्त अक्षर, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा व्यंजन वर्ण को एक बार रिवाइज कर लेते हैं पढ़कर, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण क्या था? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। ये है व्यंजन वर्ण, ठीक है। इसके आगे जो वर्ण है चार वर्ण वो है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर मतलब क्या होता है? जो दो वर्ण मिलकर एक वर्ण लिखा जाता है उसे बोलते हैं संयुक्त अक्षर, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर क्या क्या है? श त्र ज्ञ और श्र, ठीक है। तो इसे मैं लिखना दिखा देती हूँ, तुम लोग इसे प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर में है पहला वर्ण श। तो श कैसे लिखते हैं देखेंगे हम लोग, श कैसे लिखते हैं। ये है श लिखना, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे जहां पर पेंसिल हम लगाएंगे श, यहां से घुमा के ये हो गया वन, ठीक है। ये है श का स्टार्टिंग। नेक्स्ट यहां से घुमा के एक बॉल बना के नीचे टेल बना देंगे तो ये हो गया टू, और एक स्टैंडिंग लाइन इसको टच करके खींचेंगे तो ये हो गया थ्री, और मात्रा ये है श, ठीक है। एक और बार देखते हैं, वन वन जहां पर एंड हुआ वहां से टू, फिर ये वन जहां से स्टार्ट हुआ यहां से थ्री स्टैंडिंग लाइन और मात्रा फोर, ठीक है। तो ये हो गया श। तो श से क्या क्या होता है? ये श कौन कौन से वर्ण को मिलकर श बन गया? क और श मिलकर दो वर्णों को मिलाकर ये संयुक्त अक्षर बनता है। संयुक्त अक्षर मतलब क्या होता है? दो वर्ण मिला हुआ, ठीक है। संयुक्त अक्षर, अक्षर यानी वर्ण या अक्षर मिलकर जो वर्ण बनता है उसे संयुक्त अक्षर बोला जाता है, ठीक है। श क और श मिलकर बन गया श। तो क्ष से क्या है? क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय। तो ये है क्ष, क्ष से हो गया क्षत्रिय। जैसे अगर क्षत्रिय लिखा रहेगा तो तुम लोगों को यहाँ डैश है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है त्रिय, त्रिय, तो क्षत्रिय का पिक्चर दिया हुआ है, या फिर ऐसा दैसा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये श। तो ये है ये श, तो पूरा क्षत्रिय बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ण है त्र, त्र, त और र मिलकर त्र बनता है। तो त्र से क्या होता है? त्रिशूल, त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। तो कैसे लिखते हैं देखते हैं, वन, ठीक है, फिर जहाँ से वन स्टार्ट हुआ वहाँ से एक लेफ्ट की ओर नीचे टू, नेक्स्ट इसका स्टैंडिंग लाइन मात्रा और स्लिप, सॉरी स्टैंडिंग लाइन और मात्रा स्लिपिंग लाइन थ्री। एक और बार देखते हैं, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। तो ये हो गया त्रिशूल, सॉरी ये हो गया त्रिशूल और ये है क्षत्रिय। तो अब देखते हैं त्रिशूल का फिल इन द ब्लैंक्स अगर होगा तो कैसे होगा। त्रिशूल का फिल इन द ब्लैंक्स, ये डैश
ये शू और ल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थ्री। मात्रा दिया रहेगा, मात्रा पे डैश नहीं है, सिर्फ त्र पे डैश, ठीक है। तो त्र, त्रिशूल, ठीक है। तो ये बन गया त्र से त्रिशूल, ठीक है। अब नेक्स्ट है ज्ञ, ज्ञ से क्या होता है, ग से होता है ज्ञानी। ज्ञानी, ज्ञानी का जो अक्षर है किससे होता है, वो ज्ञ से होता है। तो ज्ञ लिखना देखते हैं, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो बुद्धि देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, ठीक है। वो टीचर भी हो सकते हैं, कोई बुद्धिदाता भी हो सकते हैं, उसे ज्ञानी बोला जाता है। ज्ञानी या जो पढ़ाते हैं, तो ज्ञ कैसे लिखते हैं देखो, एक स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के यहाँ से ज की तरह बना लेंगे हम लोग, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा, ठीक है। ज की तरह यहाँ तक बना लेंगे, बना के ये वन है, ये टू, यहाँ से छोटा सा राउंड करके टेल, थ्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन फोर और मात्रा फाइव। एक और बार देख लेते हैं, ये स्लीपिंग लाइन छोटा सा, यहाँ से ज की तरह थोड़ा बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, टू, और ये है थ्री टेल, और ये है फोर इसका स्टैंडिंग लाइन, और फाइव है स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो ज्ञ से क्या होता है, ज्ञ से होता है ज्ञानी, ठीक है। तो ज्ञानी ये दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये ज्ञ लिखेंगे, ठीक है। ज्ञानी बन गया, ठीक है। तो ये हो गया ज्ञ, तो क्या क्या हो गया हमारा, क्ष, त्र और ज्ञ, ठीक है। क्ष से होता है क्षत्रिय, और त्र से होता है त्रिशूल, और ज्ञ से होता है ज्ञानी। नेक्स्ट है श्र, श्र से होता है श्रमिक यानी फार्मर, श्रमिक। तो श्र कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग श लिखे हैं, थोड़ा सा उसके साथ मैचिंग होता है, ठीक है, एक जैसा ही होता है। तो श भी उस तरह से पहले लिख लेंगे हम लोग, देखो श है, वन स्टार्ट करते हैं, ये है वन, ठीक है, ये श का स्टार्टिंग है, वन हो गया। अब यहाँ जहाँ पर एंड हुआ, यहाँ से खींच लेंगे टू, ठीक है। नेक्स्ट जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ से ये थ्री, नेक्स्ट इसका स्टैंडिंग लाइन और मात्रा है फोर। एक और बार देखते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। ये हो गया श्र, श्र से क्या होता है, श्र से होता है श्रमिक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये श्र। हो गया, तो हम लोग आज चार अक्षर देख लिए, लिखना भी सीख लिए, ठीक है। तो ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, कौन कौन सा है, संयुक्त अक्षर श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखना, इसे जो मैं जिस तरह से लिखना सिखाई हूँ उसे अच्छे से अपने कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करो, और बुक में जो जगह है, ये देखो बुक में तुम लोगों का जगह है, तो पहले दिन ये दोनों लिखो, दूसरा दिन ये दोनों लिखो, इसे लिखने के बाद घर में प्रैक्टिस करो, और इसके बाद मैं तुम लोगों को होम टास्क दे दूँगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।